कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है और धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही दीवाने के बारे में जिनके बारे में शहर के लोगों की अलग अलग राय है। कोई इन्हें दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह व्यक्ति जो है यह क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति है, जिसे कि खंडवा के लोग बबलू राजानी के नाम से जानते हैं। बबलू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका असली नाम क्या है? सबसे पहले मैं कहूंगा सुबह की राम राम दोस्तों। भैया ने आज मेरे को सौभाग्य आपके आशीर्वाद से आपकी आवाज बनने का मुझे मौका दिया है। मैं आपका ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा। मैं आपकी आवाज रखने जा रहा हूँ, मुझसे कुछ गलती हो उसके लिए मुझे माफ करना। भैया ने एक प्रश्न पूछा मेरा असली नाम क्या है। मेरा असली नाम है प्रदीप कुमार राजानी। तो प्रदीप भाई, जिनको के खंडवा के लोग प्यार से बबलू राजानी के रूप में जानते हैं, ये बबलू राजानी एक नाना पाटेकर कहें, क्रांतिवीर कहें, क्यों कहें? क्योंकि इनके वीडियो जो है वो ऐसे प्रतिदिन वायरल होते हैं, एक न एक ऐसा वीडियो जिसमें कोई ना कोई शहर की ऐसी समस्या होती है जो कि वर्षों से इस शहर में इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को बबलू भाई अपने अनोखे अंदाज में उठाते हैं। इनका अंदाज अनोखा है। धीरे धीरे इन्होंने जब शुरुआत की थी तो कुछ वीडियो को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन बाद में इनके वीडियो इतने पॉपुलर हुए कि शहर भर के लोग अब इनके वीडियो को देखने लगे हैं। हालात यह है कि अब इतने गंभीरता से लेने लगे हैं, इनके बनाए वीडियो पर अब कार्रवाई भी होने लगी है। तो आप देखें कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ अपनी आवाज उठाए और लगातार प्रयास करते रहे तो वह भी बबलू राजानी जैसा नाम कमा सकता है। बबलू भाई, क्या क्या मुद्दे हैं जो आपने उठाए थे अब तक? हमारे मुद्दे थे शहर विकास को लेके। जी, शहर विकास से तात्पर्य सड़क, नाली, पानी और वो मूलभूत सुविधाएं, जिसे हर कोई मजाक में लेता है, ये तो सब हो जाता, लेकिन जो मेन मुद्दा था जिसे मैंने संभाल के रखा था इस समय के लिए, वो है रोजगार। रोजगार, क्योंकि आज से पूर्व में हम जाएंगे तो दाल मिले, खल्ली मिले, जीनिंग फैक्ट्रियां, बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे थे जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था, मानसिंह मिलती, सूत मिलती। अब मुझे उस जगह पर फोकस करना पड़ा कि इतने बड़े बड़े उद्योग यहाँ से क्यों चले गए। जिस जगह से हमें खाने को रोटी मिलती थी, आज वही उद्योगपति कर्जे में आकर हमें वहां बनाकर मकान दे रहे हैं। तो ऐसी क्या पॉलिसी रही राजनीतिक दलों की, या हमारी क्या कमजोरी रही कि इतने सारे उद्योग यहां से चले गए जहां होना चाहिए थे और बढ़ना चाहिए थे, तो मतलब हम जीरो के धरातल पे आए। अब इसका दोषी किसको समझे, राजनेताओं को या आम आदमी को जो आवाज नहीं उठाता है? जी, आपने आवाज तो बहुत उठाई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, शुरुआत आपने कहां से की? शुरुआत भैया, मैं तो किशोर कुमार जी की नगरी में और दादाजी डंडे वाले की नगरी में बैठा हूं। तो एक शौक था मेरे को वीडियो बनाने का। जी, तो मैं पहले उल्टे सीधे वीडियो बनाता था तो मेरे दोस्त यार हंसते थे मेरे पे। लेकिन आप में किसी चीज का जुनून हो जाए ना कि मेरे को ये चीज में घुसना है, एक एंटरटेनमेंट करना है, अगर आप किसी को दो पल हंसा दे तो आपका जीवन सफल हो जाता है। कि आपको सुबह कोई मिले और उसको कि मजा आ गया यार, हम बहुत टेंशन में थे, तो क्या तनाव भरी जिंदगी में थोड़ी सी हंसी देना, बस यही मेरा मकसद था। मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले ने मेरे को इस मकसद के लिए तैयार कर रहा था, और ना तो मुझे किसी ने सिखाया, ना पढ़ाया, ना कुछ बताया। ये तो बस दादाजी महाराज ने मेरे को इसलिए चुना है, और उन सभी दबी कुचली आवाजें जो चाकर भी जो चौराहे चौराहे पे तो बोल सकते हैं, चौराहे चौराहे पे आप नेताओं को गाली दे सकते हैं, लेकिन जब फ्रंट पे आने की बारी होती है तो आदमी सोचता कौन बुराई ले, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पड़ोसी के घर ही भगत सिंह पैदा हो। वो चीज ने मुझे प्रेरणा दी कि कोई तो कर सकते आगे बढ़ के, कोई ना कोई। मैं भी बहुत टाइम से साल दो साल सोचता रहा आगे आऊं आगे आऊं, फिर मैंने घर तरफ देखा, जब मेरे को घर से बल मिल गया कि फ्री हैंड है, कि जो करना तेरा जो अच्छे के लिए कर रहा है कर, जो होगा ऊपर वाले ने जो लिखा है भाग्य में होगा। बिल्कुल। तो किसी भी रूप से वीडियो के माध्यम से हंसी मजाक के तौर पे सब लोगों ने सहयोग देना शुरू करा, तो फिर मैं प्रखर होता गया। इसलिए मैं आप सभी की हिम्मत को डांट दूंगा जो लोग आज मेरे से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से इस मुहिम में आ गए। हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास, शहर विकास। बबलू भाई, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप सेल्फ गाइडेड मिसाइल हैं या कि किसी और के द्वारा छोड़ी गई मिसाइल है? ये तो परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ जो मेरे गुरु हैं, माता पार्वती, दादाजी महाराज, भगवान राम, इन लोगों की इष्ट कृपा है कि उनने मुझे कहीं फंसने नहीं दिया। और पता नहीं, मैं आप भी आपसे बात कर रहा हूँ तो ना तो आपने मेरे से कुछ बताया रास्ते में, ना पूछा ना करा, बिल्कुल बस आपने पूछना चालू करा और आपने बताना तोता बाहर आने लग गया। तो
ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। लोग सोच रहे हैं कि पैसा दे रहा है कोई, क्या कर रहा है, मुझे तो सिर्फ शहर विकास है। और उन लोगों के लिए मेरी एक ही कहना है, एक ही बात कहना है कि मेरा लक्ष्य विधानसभा नहीं है, मेरा लक्ष्य देवेंद्र वर्मा से कोई मेरी जाति दुश्मनी नहीं, मेरा लक्ष्य शहर विकास। जब तक मेरी सांसें हैं या जब तक विकास नहीं होता, आगे मेरी युद्ध जारी रहेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस हिसाब से आप मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहे हैं, आगे भी मेरा साथ देंगे। आपने ऐसे कौन कौन से मुद्दे उठाए, मुद्दों की बात करें, सबसे पहले शुरुआत किस चीज से की थी आपने? शुरुआत मेरी हुई थी पन्नाना डुलार रोड पे, मैं जा रहा था, गुरुवार का दिन था, गुरु महाराज का दिन था, तो मेरे एक दोस्त पानी गिर रहा था, तो बोले डुलार से घूम के आते हैं। तो जब वो वहां की दूरदशा देखी और इतना वक्त देखिए, मेरा वीडियो बनने के दूसरे या तीसरे दिन वहां एक परिवार के तीन घरों के एक्सीडेंट हुआ था, गर्म हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हो सकता है मेरे को भगवान ने पहले वो चीज दर्शाने के लिए भेजी हो। अब उसके बाद तो जो कारमा चला, पहले भी मैंने कई बार नाली नुली में प्रयास करे डुबकी मारने के, लेकिन लोग मेरी वो कॉमेडी की इसको आदत है, लाइक्स की, कमेंट की, लेकिन मैंने सोचा लाइक कमेंट से होता क्या, कोई पैसा तो मिलता नहीं है। पर ये थी कि जुनून था, फिर बढ़ता गया। दादाजी महाराज रास्ता देते गए, वो मेरे आगे चलते गए, मैं उनके पीछे चलता गया। तो स्विमिंग पूल का भी आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था खंडवा में, क्या क्या आपके ऐसे जो सोच है, मेरा कहना है कहाँ से लाते हैं ये सारी जो डायलॉग? पता नहीं मेरे को, तो जैसे घूमते घूमते अभी बाबा आ जाते हैं, बस जाता हूँ, कुछ दिख जाता है, तो किसी कहीं आपसे बात हुई, आम आदमी से कुछ भी एक शब्द ले लिया, तो फिर उसमें मेरा गुंतारा चालू जाता। स्विमिंग पूल से तात्पर्य ये थे, खंडवा में इतने युवा, इतने टैलेंटेड बच्चे है जो खंडवा का नाम रोशन कर सकते हैं। आज मैं जहां बैठा हूं, मैं तो खुद पे गिल्टी फील करता हूं कि मेरे से इतने टैलेंटेड लोग हैं इस शहर में, वरिष्ठ भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन वो लोग पीछे क्यों होते जा रहे हैं? देखा तो स्विमिंग पूल में घाटे, वो मतलब कभी जाली गिर जाना, तो उस दिन दादाजी महाराज की कृपा थी कि वहां कोई बच्चा था नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उस दिन बहुत बड़ी क्षति होती शहर के लिए। बिल्कुल, अब ऐसा क्या हो रहा है कि इतना सा स्विमिंग पूल नहीं बन रहा है? अब किसी नेता का नाम नहीं लेते, उन्होंने जो किराए के मकान में रहता था, कई वेयर हाउसों का मालिक हो गया, उसके साथ वाले कई करोड़ों के मालिक हो गए, तुम्हारा विकास हो रहा, उसमें कोई दो राय नहीं। हर नेता चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं, लेकिन अगर विकास के साथ कमाते ना, तो हम प्राउड फील करते। लड़ाई वहां पर से शुरू हो गई, वो जिस दिन वो गिरा था ना, तो एक मन में ज्वाला जग गई थी कि क्या अगर मेरा बच्चा रहता। बिल्कुल, आज अपना बच्चा रहता कहीं गिर जाता तो कैसे पीड़ा हो जाती, दुर्घटना होती, तो उसका दोषी कौन है? या तो ठेकेदार जी, या फिर वो अधिकारी भ्रष्टाचारी, या वो भ्रष्टाचारी राजनेता जिसने स्वयं का सोचा। अब इसमें कोई अगर अपने पर व्यक्तिगत लेता है तो वो उसकी इच्छा, लेकिन मैं तो सभी नेताओं को बोल रहा हूँ, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, क्योंकि विपक्ष तो नाकारा निकम्मा है, क्योंकि उसके घर में उन्हें तो लड़ाई लगा के रखी है कि लोगों का विश्वास ही उठ गया है। अब मुझसे कई लोग पूछते कि भैया वो तुम अगर देवेंद्र वर्मा को टिकट मिलती है, तुम बोलोगे कि वोट मत डालो, किसी और को डालो, हम तो कांग्रेस को क्यों डाले, वो तो घर में ही लड़ रहे हैं, तो वो उनका मुद्दा है। मेरा कहना मतलब कि अगर आपको जीतना है, या तो नोटा का यूज करें, या अपने विवेक का यूज करें, अन्यथा हम जिस धरातल पे हैं, आज हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने बाहर जा रहे हैं, उद्योग के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग अपने शहर के प्रति वफादार हैं, किसी भी पीड़ा में रह रहे हैं, और जब आखिरी में सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं, तो फिर आ जाता है जातिवाद। अगर विकास नहीं होता रहा भैया, तो जो आपने बात बोली है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यह शहर बुजुर्गों का शहर बनकर रह जाए, क्योंकि यहाँ का युवा जो है खंडवा का, वो खंडवा से बाहर पढ़ने जा रहा है। पहली चीज तो रोजगार जो है वो बाहर जा रहे हैं, रोजगार के चक्कर में युवा भी जो है खंडवा छोड़ के बाहर जा रहा है। पहली चीज तो मैं आपकी बात को काटते हुए माफी मांगूंगा जी, शहर क्या है, मैं तो गांव, शहर तो छोड़िए, गांव से भी बदतर स्थिति है। बस आप कहीं देखोगे चंद कई कॉलोनाइजर हैं, वो भी क्या पहले उद्योगपति थे, उनकी परेशानियां कर्जे के चक्कर में प्लाट काट काट के बेच रहे, सिर्फ हमको थोड़े बहुत कॉलोनी देख सकते हो, डेवलपमेंट के नाम है क्या बन रही है? आप मुझे बताओ यहाँ है क्या? एक वो कुछ समय पहले, अब उसका नॉलेज तो मेरे को नहीं है, लेकिन खंडवा प्राधिकरण के नाम से विकास प्राधिकरण की योजना आई थी, वो विलुप्त हो गई। क्या कारण था वो राजनेता जाने, वो ना तो मुझे मालूम, मैं भी तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपने अब चलिए 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 मैं समझ गया, लेकिन एक अभी विधायक की बात की थी, एक सवाल मन में फिर से आ गया, मैं इसलिए विधायक को बारे में जो लोग कहते हैं कि जो हमने पहले भी पीछे पिछला वीडियो बनाया था, शहर के लोग कहते हैं कि इन्होंने किसी का भला नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया, इसके क्या मायने आपकी नजर में? भैया जो राजा रहता है जी, अगर राजा किसी का भला नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, तो मैं कहूंगा कि उसको उस पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। हमें भला बुरा करने के लिए नहीं बैठना है, हमें जनता की सेवा के लिए बैठना है। अगर ये तो फिर वही होगी भला बुरा की मेरी स्वयं की, मैं अपना वो आचरण कर लूं
कि मैं तो सरल स्वभाव का धनी हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ। इसके विपरीत आप पीछे जाके देखिए, उनने आपका बुरा किया, आपका अधिकार खा गए, उद्योग खा गए, रोड खा गए, ये खा गए, वो खा गए। अब यहाँ तक ये मुझ पर भी लाछन लगाने लग गए हैं कि भैया ये तो महापौर जी का इन्होंने बैनर लगाया था। मैं उन लोगों को एक चीज बोल दूं, विधायक जी हर चीज का एक समय रहता है, सब आएंगे रडार में, जो विकास के बीच में आएगा, चाहे बबलू राजाणी स्वयं भी आएगा ना, उसका भी मैं विरोध कर लूंगा। मेरे पिताजी का तो छोड़िए, लेकिन आपकी जो आभा मंडली है और आपने जो लोगों के मन में बना के रखी है ना कि मैंने अच्छा नहीं करा, बुरा नहीं करा, तो उससे मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि आप शहर के राजा हो, राजा दादा सरकार दादाजी महाराज, इतनी अच्छी नगरी की आपको सौभाग्य से दिया। लेकिन आपने ये जो चोला और आपके आभा मंडली जो फैला रहे हैं ना, गांव 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 गांव, उस चीज से मेरे को नफरत हो गई। आप लगे किसी को गोली मार दो तो भी प्राउड होगा कि विधायक है दबंग है, जो गलत करे। अब योगी जी इनकाउंटर कर रहे हैं, कई लोग गलत बोलते, कई लोग अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जो बेन बेटियां सुरक्षित आज घूम रही है ना, आज उन्हें भगवान तुल्य पूज रही है। बिल्कुल। कारण क्यों? कारण क्यों कि उन्होंने ये चोला नहीं उड़ा ना कि मैं संत हूं, उन्हें सरल स्वभाव का, उनका धर्म है कि मैं को पदवी पे बैठा हूं, जनता जनार्दन मेरे बच्चे हैं, तो बच्चा स्वरूप सबको रख रहे, सबका ख्याल रख रहे, गलत का विरोध हो रहा है, अच्छे को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हम किशोर कुमार जी के स्मारक पे पहुंचे हैं, आपने देखा होगा इस ओर जो है खंडवा में किशोर कुमार जी का स्मारक है, जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किशोर कुमार जी का एक गाना मुझे याद आता है, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, और किसी के न हुए हम और कोई हमारा न हुआ। क्या लगता है कि ये गाना आपको खंडवा के जो है ये जो माहौल है इस पर फिट बैठता है कि कोई हमदम न रहा? अब आपने उस महान कलाकार की दी है कि कहीं जाते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं उनके नाम से जी। जब आप दो ही होता है इनका, या तो जयंती या पुण्यतिथि, तब आपको पूरे यहाँ के नेता वेता बड़े फनकार उस दो दिन ही क्यों मिलते हैं? उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति में अगर स्वार्थ होता तो वहां बॉम्बे चले गए थे, करोड़पति बन गए थे, लेकिन उनका प्रेम, वो दोस्त, वो गलियां और वो जहां वो बैठते थे, उनको प्रेम था खंडवा से, किसी व्यक्ति विशेष से तो ना, अपनी माँ से प्रेम था। इसीलिए उनने आखिरी में कई शोज भी किए, गोरीकुंड मनाने के लिए शोज किए थे तापड़िया गार्डन में, वो फंड कहाँ गया, लुप्त हो गया, पता नहीं भगवान जाने। लेकिन फिर भी उस महान कलाकार को खंडवा की जनता ने समझी तो बड़े भैया आप और मैं क्या चीज है। लेकिन एक प्रयास तो है, हो सकता है वो ईश्वरी रूप में आके मेरे को बोल ले कि तूने मेरी माँ को छन्नी छन्नी किया है, तो उस महान कलाकार के सपने को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि पुण्य तिथि पे आ गए या जन्म तिथि पे आ गए पूरे शहर में गाने गा लिए, वो उनको चीज सूट नहीं करती। एक चीज और है, जैसे कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो आप कई तरह के जो है कपड़ा पहन लेते हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा, आप बिल्कुल फटी हुई बनियान पहन के सड़क पर घूम रहे थे, तो क्या आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, और कैसा लगता है मन में? ये एक सत्यता है जो ऊपर वाला मेरे से दिखाना चाहता है। और आप पहले मेरे कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ कि शादी में अपन डांस करते है ना जी 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 जी, अरे अरे छोटी सी बियर पिला दे, दो पेक पिला दे, मेरे को कोई शर्म आती है। अब मेरे को वो नशे की जरूरत नहीं, मेरे को नशा इतना हो गया। अगर अभी आप मुझे यही बोलोगे ना कपड़े उतार गटर में लेट जा, शहर हित का काम है, तो मेरे को दो मिनट नहीं लगेंगे, दो मिनट पता नहीं क्या। मैं बोलो ना कि मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं इतना जुनून किस चीज के लिए, कि मैं बस ये कि मैं मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता हूँ, प्रताप सेठ का लड़का बबलू राजाणी जी। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं वो करती है कि मैं नकारा हूँ, निकम्मा हूँ। नहीं मेरा मेरी आगे की सोच बताओ, मैं निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ, कारण क्योंकि मेरे पिता ने नाम दिया। तो मेरा सपना ये होना चाहिए कि लोग मेरे पिताजी को जब बोलेंगे ना वो बबलू के पापा जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी प्राउड फील करेंगे। तो वहीं आप राजनीति में आ जाओ, वही चीज राजनीति में आ जाओ, ईमानदार पिता तुल्य नरेंद्र मोदी जी है, ईमानदार है, मैं उनका झंडा उठाता हूँ, मेरा बस नहीं चले सीना फाड़ के अपने माँ बाप से ऊपर उनकी तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति नहीं, लेकिन मेरा प्रेम उनके प्रति, मतलब उसकी बोल ही नहीं सकते आप जी, जी, जी। कि इतनी तुलना। बाकी उसी पिताजी के नालायक पुत्र धरातल पे इसको उनके विचारों को छन्नी छन्नी करते हैं। ये उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जो मेरे को आज बोल रहे हैं ना कि किसी को भी टिकट मिल जाएगा, हम जिता देंगे पार्टी की, आपकी वफादारी उसको सलाम। लेकिन उस नाकारे निकम्मे व्यक्ति को जिसने अपने पिता तुल्य को छन्नी छन्नी कर दिया, अपनी नाकामी छुपाने के लिए फिर ले आई है मोदी जी का चेहरा जी, जी 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 तो मोदी जी के चेहरे पे कब तक लोगे? और मैं वो भी सोचते होंगे कि मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैंने विधायक बनाया कि जिसके लिए मुझे भी मतलब नीचा देखना पड़ रहा है।
और प्राउड जब फील करता मैं जब वाराणसी से मंच पे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब खंडवा के विधायक को बुलाते और मंच भरे मंच पे बोलते मुझे तो छोड़िए मेरे पुत्र नुमा विधायक को देखिए उनने कितना विकास करा, तब पूरी जनता प्राउड फील करती। एक पिता तो करता करता, जनता अभी आपकी छोटा भाई बहन परिवारों भी प्राउड फील करता। आपको जब लोग गलत शब्दों से चौराहे चौराहे गंदा बोलते ना तो हमको खुद को लज्जा होने लगती है क्योंकि हम पार्टी से प्रेम करते हैं। इसी गुस्से के कारण कि पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग है ना आम जनता से राय लेते नहीं है। अब कोई लोग बोलता है कि भी इनको सरल स्वभाव से टिकट मिली, धन से मिली, आपसी साठगांठ से मिली, गुटबाजी से मिली, तो ये आप वो उस लेवल पे मेरा ऐसा लगा कि कहा की ऐसी पार्टी। मोदी जी जब चुनाव लड़ेंगे ईमानदार आदमी वोट देने जाएंगे, चार लोगों को प्रेरित करेंगे। एक चीज और है खंडवा के बारे में, एक और लोग कहते हैं कि यहाँ का लोग ठहरा हुआ पानी पीते हैं इसलिए यहाँ के लोग बहुत ठंडे हैं, कोई मुद्दे की बात उठाना ही नहीं चाहता। ऐसे में जब आप उठाते हैं तो कई तरह की बातें होने लगती है। भैया उसमें क्या है, उठाना सब चाहते हैं जी, लेकिन मिडिल क्लास की कमर ऐसी टूटी हुई है कि उसके पास टाइम नहीं है। अगर वो एक दिन भी इधर उधर अगर निकल गया कोई धरने प्रदर्शन में तो उसके 400, 500, 800 तो उसके महीने का बजट गड़बड़ा जाएगा। तो मिडिल क्लास तो वहां गया, अब जो लोअर क्लास है उनको नशा दे रहे एकदम बहुत गहरा नशा, फ्री का नशा। ये इनकी नस्लों को नहीं मालूम आगे जब अपन कंगाली की दौर में आ जाएंगे, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन कंगाली की दौर पे आ जाएंगे तो तुम्हारी स्थिति क्या हो जाएगी, तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। फ्री का वो जहर है। अमीर, अब अमीर का क्या कहना, अमीर हर उद्योगपति नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टनर है तो वो तो बढ़ते जा रहे हैं। अब टूटे अपन मिडिल क्लास तो बोलने की कोशिश करेगा कौन, सही 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 है, कुर्बानी देगा कौन, कुर्बानी दे कौन। आपने पहले ही कहा कि लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह जो है पड़ोसी के पड़ोसी कर देता हो, तो वो पड़ोसी में सौभाग्यशाली हुआ कि भगवान ने मेरे को चुना उस महान हस्ती के धूल के बराबर भी नहीं चरणों के। लेकिन प्राउड फील होता है जब मेरे माँ बाप मेरे को गर्व से बात करते ना, एक प्राउड फील होता है। प्राउड की बात कर रहे हैं बबलू जी, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक पर बात की जाए तो 11,000 से अधिक फॉलोअर हैं इनके। जब ये कोई वीडियो डालते हैं तो हजारों लोग इनको देखते हैं और पसंद करते हैं। तो ये एक तो ऐसा संदेश है खंडवा के लोगों के लिए कि अगर कोई व्यक्ति बबलू राजानी की तरह ठान ले कि मेरे को बस करना ही है, शहर के मुद्दों को उठाना है, शहर की समस्याओं को उठाना है, उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शहर को लेकर के, शहर के हित को लेकर के, शहर के विकास को लेकर के बात करे तो वो भी एक दिन बबलू राजानी की तरह नाम कमा सकता है, इनके इतने फॉलोअर हो सकते हैं। बबलू जी आगे के लिए क्या प्लान है आपका? सबसे पहले तो मैं बागेश्वर धाम के परम पूज्य श्री गुरु महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक चीज बोलना चाहूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी की, हाँ मेरे परम गुरु है वो जी जी जी। उनने हर संबोधन में जब वो बोलते हैं ना छोटों को मेरे पागलों, तो वो पागलों से तात्पर्य था कि आप कितने दीवाने ऊपर वाले के, तो पागलों से तात्पर्य है कि मैं आज पूरी विधानसभा के हर वार्ड के हर गांव के हर क्षेत्र के उन पागलों का आह्वान करता हूं, मेरे पागलों माँ बुला रही है तो आज आपकी जरूरत है। और उनका दूसरा शब्द मेरे साधुओं, वो वरिष्ठों के लिए होता है, तो मैं मेरे परम पूज्य साधुओं आपकी बहुत आवश्यकता है हमारे इस युद्ध में, युद्ध थमेगा तब जब शहर नंबर वन पे होगा और उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए कि हम कई जगह हम भी गंदगी करते हैं। हम नेताओं को पूरा दोष नहीं दे सकते, नेता अधिकारी, हमारा अपना भी कुछ दायित्व है तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि हर वार्ड से दो साधु दो पागल निकलते हैं तो आप सोच लो कि 50 वार्ड से कितने होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से कितने होंगे। जब एक मोती की माला बनेगी ना, तो ये जो मोदी जी ने एक हथियार दिया है मोबाइल सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ी ताकत है, आम आदमी का हथियार है, इससे अच्छे अच्छे डरते हैं। तो एक बार माला रूप बन जाइए, मैं मेरे आपसे मैं विश्वास दिलाता हूं मैं और कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि मेरे को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे उम्मीद से बढ़कर सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे यकीन है कि खंडवा नंबर वन अपने बल पे बनेगा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथी बबलू राजानी जी जिनसे हमने आज चर्चा की, बहुत सारी चीजें जानी, लोगों के मन में जो धारणाएं थी, जो विचार थे, कई सवाल थे, जो बबलू जी के वीडियो देखते रहे हैं वो सोचते होंगे कि बबलू भाई आखिर ऐसा करते क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो बहुत सारी चीजें आज क्लियर हुई है, बबलू जी ने साफ बता दिया कि उनका एजेंडा सिर्फ सिर्फ शहर का विकास का है, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको न देखा जाए ऐसा इनका मानना है, क्योंकि खुद भी बीजेपी के फॉलोअर रहे हैं। चुनाव है, आचार संहिता लागू है, इसलिए हम
अतिरिक्त तरह की कोई बात न करेंगे, लेकिन हम साधुवाद देना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति को जो क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति है, जो खंडवा के लिए कुछ कर रहा है। और उन्होंने साफ कहा कि अगर हर घर से ऐसे दो पागल आ जाएं तो इस देश की और इस शहर की दोनों की ही दिशा बदली जा सकती है। मैंने शुरुआत की थी, आपको फिर से वही लाइनें दोहराऊंगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और धरती की इस बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। कुमार विश्वास की कविता बबलू राजानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम बबलू भाई से फिर से मुलाकात करेंगे, फिर इनसे जानेंगे कि बबलू राजानी के मन में क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा सुना किस तरह बबलू राजानी जी के मन में जो विचार है आपने जाने। हम फिर से इनसे दोबारा बात करेंगे, लेकिन कब करेंगे? बहुत ही जल्द करेंगे, चुनाव सामने है। तो दोस्तों, मुझे और मेरे साथी रियासत खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।